please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। हम आज बात करेंगे एक ऐसे खूबसूरत जाल की जो जालसाजी के लिए बड़े बड़े तीसमार खां को फंसाती थी, हनी ट्रैप करके अपने झांसे की दुकान सजाती थी। उसके निशाने पर केवल गरीब ही नहीं बल्कि गरीबों के लिए सरकारी नीतियां लागू करने वाले बड़े सरकारी बाबू भी थे। ऐसे ही एक कलेक्टर का किस्सा लेकर हम आज यहां आपके सामने हैं। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। ये अलग अलग जगह अलग अलग कचहरियों में कहते थे कि हम आपको इतना पैसा देंगे, जनता की डेवलपमेंट के लिए होगा, जनता की लाभ के लिए होगा। खूबसूरत इलाके में फैलाया हसीन जाल। ट्रस्ट द्वारा समग्र जिला में 500 जेटला शौचालय बनावी आपवानो आयोजन छे। सरकारी इमारत में बिछी जालसाजी की बिसा। ये जो जिला सेवा सदन का जो हिस्सा है, उसी बिल्डिंग जो उसके अंतर्गत आती है, उसी बिल्डिंग में बकायदा एक दफ्तर अलॉट किया गया है। किसानों के नाम पर करोड़ों की चोट। इन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट अधिकारी बता के अलग अलग जगह एमओयू करके उसके आधार पे इन्होंने बैंक लोन लेना तो ही चालू किया था। एक खूबसूरत जाल पकड़ा गया तो किया बवा। आखा डांग जिला ना बद्दा अधिकारियों मरे ने हमने फसावानी कोशिश करी। यह है गुजरात का डांग इलाका। कुदरती तौर पर यह इलाका जितना सुंदर है, इस इलाके में बसने वाले लोग भी स्वभाव से सीधे साधे और सरल हैं। लेकिन कुछ अरसा पहले इस इलाके को एक खूबसूरत नजर लग गई और एक हसीन साया यहाँ क्या आया, यहाँ के लोगों की दिन का चैन और रातों की नींद ही गायब हो गई। हम आपको उस साये से मिलवाएं और पूरा किस्सा बताएं। उससे पहले आप दूरदर्शन में प्रसारित होने वाले इस प्रमोशनल वीडियो को देखिए, जिसमें गुजरात के किसानों के हक में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। हाईटेक टॉयलेट जो पंचमहल जिले के जो छोटे छोटे गांव है उसमें हमने 500 से ज्यादा टॉयलेट डोनेट किए। अब जरा इस खूबसूरत चेहरे को गौर से देख लीजिए। और उसके बाद जरा इस सरकारी अपील पर गौर कर लीजिए जो सरकारी पैसे से बाकायदा अखबारों में छपवाया गया था। बेशक ये गुजराती भाषा में है, लेकिन इसके हिंदी तर्जुमे का लबोलुआब ये है कि सरकार किसानों के हक में जो स्कीम और योजनाएं लाने वाली है, उनके लिए पूरे इलाके में जो होर्डिंग्स और पोस्टर बैनर लगवाए जाने हैं, उसके लिए सील बंद निविदाएं मांगी जा रही है। अभी तक आपने जो कुछ भी देखा उसमें कहीं कुछ गलत नहीं है, लेकिन अब दिखाते हैं गड़बड़ी जिसकी वजह से पूरा इलाका कब से चैन से सो नहीं सका। गड़बड़ी नंबर एक, सरकारी इमारत में बना ये गैर सरकारी दफ्तर। गड़बड़ी नंबर दो, ये आलीशान गाड़ियां। गड़बड़ी नंबर तीन, ये चेहरे। गड़बड़ी नंबर चार, ये इश्तेहार जिनकी आड़ में सरकारी खजाने को चोट पहुंचाई गई। दरअसल ये सब एक हसीन चाल के वो दाव पेच हैं जिसके झांसे में यहाँ के सीधे साधे किसान तो आ ही गए। खूबसूरती के इस माया जाल ने इलाके के कलेक्टर तक को नहीं छोड़ा और बात इतनी बढ़ गई कि गुजरात के चीफ सेक्रेटरी और गृह सचिव तक जा पहुंची। हम इस बात को सिलसिलेवार तरीके से खोलें, उससे पहले ये तस्वीर देखे बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं, क्योंकि बातों का सिलसिला तो यहीं से शुरू होगा। आखा डांग जिला ना बद्दा अधिकारियों ए मळी ने हमने फसावानी कोशिश करी। यहाँ पुलिस जिसे गिरफ्तार करके ले जा रही है वो इस वक्त इलाके के कलेक्टर को कोस रही है, वही कलेक्टर जिनके बारे में पूरे इलाके में बात फैल चुकी है कि उन्होंने सरकारी पद और गरिमा को ताक पर रखकर इस पर अपनी मेहरबानियों की बरसात की और इसे इसकी जालसाजियों के साथ सरकारी इमारत में पनाह लेने का मौका दिया। ये है
भावेश्री दावड़ा, जिसके बारे में फिलहाल यही खुलासा है कि ये शहर और इलाके के साथ अपना नाम और पहचान सब बदल लेती। इनके खिलाफ अहमदाबाद में 2006 में भी गुनाह दाखिल है, जिसके बाद अंकित मेहता ने अपना नाम बदला था। इनका पहले नाम अलग था, इन्होंने 2006 का गुनाह दाखिल हुआ तो इन्होंने दूसरा नाम बदला और दूसरे नाम के ऊपर अपनी दूसरी आइडेंटिटी क्रिएट करी। ऐसे ही भावेश्री बहन दावड़ा है, उनके भी हमें दो दो पुराव मिले हैं। सवाल उठता है कि आखिर इसे इस वक्त पुलिस क्यों पकड़ कर ले जा रही है, तो खुलासा यही है कि ये ऐसा खूबसूरत जाल है जिसके झांसे में आने से बड़े सरकारी बाबू भी खुद को नहीं बचा पाते। बताया जा रहा है कि इसने अपनी खूबसूरती का ऐसा जाल फैलाया कि सरकारी खजाने को करोड़ों की चपत लग गई, और पुलिस की माने तो इसने इस खूबसूरत इलाके के किसानों को भी नहीं बख्शा। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये अलग अलग जगह अलग अलग कचहरियों में कहते थे कि हम आपको इतना पैसा देंगे, जनता की डेवलपमेंट के लिए होगा, जनता के लाभ के लिए होगा। इसी तरह आके इन्होंने डांग में करा। आउट ऑफ गुडविल डांग कलेक्टर ने इनको एक रूम दिया, जिस रूम का इन्होंने मिसयूज करके लोगों से पैसा इकट्ठा करना चालू किया। तो इनका माइंडसेट हमेशा से चीटिंग वाला है। लेकिन एक सवाल जरूर आपके जहन में आकर खड़ा हो गया होगा कि जो कलेक्टर इस पर मेहरबान था, आखिर उसे इस वक्त क्यों कोस रही है? और वो दूसरा शख्स कौन है जिसे पुलिस ने पकड़ा तो उसने रुमाल से अपना चेहरा ही ढक लिया? इनकी मॉडस ऑपरेंडी गजब की थी। सबसे पहले तो खुद को एक एनआरआई साबित करने के लिए जितने भी तामझाम की जरूरत होती थी वो सब करती थी। उसके बाद कमाई का ऐसा झांसा देती थी कि पढ़े लिखे कलेक्टर से लेकर खेतों में काम करने वाले गरीब किसान, हर कोई उसके झांसे में आ जाता था। अंकित और भाग्यश्री अपनी दुबई स्थित कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 25 करोड़ रुपए डांग के इन आदिवासियों के पीछे खर्च करने के एक प्रोजेक्ट को अंजाम देने की बात कर रहे थे। दरअसल ये प्रोजेक्ट और कुछ नहीं बल्कि अपनी झांसे वाली रणनीति का एक हिस्सा था, और उस हिस्से के पहले ट्रैप थे डांग के कलेक्टर। दरअसल भावेश्री अपने दोस्त के साथ पूरी प्लानिंग करके ही डांग पहुंची थी और अपने हाई प्रोफाइल लुक और बड़ी बड़ी प्लानिंग के साथ उन दोनों ने इलाके के कलेक्टर का रुख किया। ताबड़तोड़ मुलाकातों और प्लानिंग की बातों ने ऐसा असर दिखाया कि डांग के कलेक्टर पूरी तरह से भावेश्री के रंग में रंग गए, और देखते ही देखते न सिर्फ कृषि विकास सेल बना दिया बल्कि तमाम कायदे कानून ताक पर रखकर उसका दफ्तर भी सरकारी इमारत में खोलने की इजाजत दे दी। ये वही चिट्ठी है जिसे 16 अक्टूबर 2017 को खुद कलेक्टर ने जारी की थी। डांग के कलेक्टर भावेश्री पर इस कदर मेहरबान हो गए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जिला सेवा सदन का जो हिस्सा है, उसी बिल्डिंग जो उसके अंतर्गत आती है, उसी बिल्डिंग में बकायदा एक दफ्तर अलॉट किया गया है। ये आप देख सकते हैं कृषि विकास सेल, जिसके नीचे खेडूत सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण योजना डांग आहवा, जिसको मिटाने तक की कोशिश की गई है। जब पुलिस में ये मामला दर्ज हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरे दफ्तर को सीज किया गया है। सरकारी बिल्डिंग में अपना ऑफिस भावेश्री की चाल का पहला कदम था, क्योंकि इसी ऑफिस में बैठकर उसे अपना जाल फैलाना था। इतना ही नहीं, भावेश्री ने पैसा कमाने का ऐसा सब्जबाग दिखाया कि कलेक्टर ने अंकित की बनाई कंपनी में अपनी बेटी को भी शामिल कर दिया। यह और बात है कि पुलिस कलेक्टर के ही बचाव में खड़ी दिख रही है। आउट ऑफ गुडविल डांग कलेक्टर ने इनको एक रूम दिया, जिस रूम का इन्होंने मिसयूज करके लोगों से पैसा इकट्ठा करना चालू किया। न्यूज 18 इंडिया को अंकित और कलेक्टर की बेटी की पार्टनरशिप के दस्तावेज भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये दोनों सरकारी योजनाओं की आड़ में किस तरह अपने झांसे का खेल खेलने की फिराक में थे। हमें दोनों के बीच हुई डीड की कॉपी भी मिली, जिसके बारे में पुलिस की अपनी सफाई है।
इन्होंने करार किया है वो बिल्कुल सेपरेट किया है, उसमें इनका चीटिंग से अभी हमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं मिला है और उस बैंक अकाउंट से कोई लेना देना भी नहीं हुआ है। इन्होंने क्या करा था, आउट ऑफ गुडविल करा था, इन्होंने कहा था कि हम आपसे भी सोशल वर्क करवाएंगे, हम आपको अपने साथ सोशल वर्क में इंक्लूड करते हैं। मगर पुलिस के इस कदम पर भी सवाल उठे। उच्च अधिकारी है, उनको पकड़ना चाहिए था, उन्हें पता है, उन्होंने एनजीओ बनाई है, सारे पॉलिसीज और ग्रांट के जो पैसे उन लोग को लाने हैं, ये बात कहीं ना कहीं ऐसी है राज्य सरकार के ध्यान पे नहीं है। डांग के कलेक्टर का साथ मिलते ही भावेश्री और अंकित बेलगाम हो गए और अपनी आलिशान गाड़ियों में इन दोनों ने घूम घूम कर इलाके के किसानों को जमकर चूना लगाना शुरू कर दिया। मोडस ऑपरेंडी ये था, इन्होंने दो न्यूज़पेपर में अपनी एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐड दी थी और इन्होंने ये करा था कि अगर आप 100 रुपये का फॉर्म भरेंगे तो हम आपको ये देंगे, फर्टिलाइजर देंगे, 200 रुपये का देंगे तो हम आपको पंप सेट देंगे, 500 रुपये का फॉर्म भरेंगे तो हम आपको औजार देंगे। भावेश्री की मुट्ठी में इलाके के कलेक्टर के साथ तमाम सरकारी योजनाएं भी आ चुकी थी और सरकारी अधिकारियों के जुबान पर ताला पड़ चुका था, लेकिन तभी इनके पाप का घड़ा भर गया। वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भर ही जाता है। बस कलेक्टर की मेहरबानी ने उसे यह गुमान दे दिया कि वो किसी को भी अपनी उंगली के इशारे पर नचा सकती है। बस यही उससे एक बड़ी गलती हो गई। भावेश्री के जाल में डांग के कलेक्टर कुछ ऐसे फंसे कि फिर उन्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। एक के बाद एक कई सवालों ने कलेक्टर के दफ्तर पर दस्तक देनी शुरू कर दी। मसलन, कलेक्टर ने क्यों भावेश्री को सरकारी बिल्डिंग में ऑफिस खुलवाया? कलेक्टर की बेटी ने धोखेबाजों के साथ पार्टनरशिप में फर्म क्यों खोली? ऐसा कौन सा कारोबार था जिसमें 90% मुनाफा होने वाला था? हम इन्हीं सवालों को लेकर डांग के कलेक्टर बीके कुमार से मिलने पहुंचे। लाख कोशिश के बावजूद हम उनसे नहीं मिल सके, या यूं भी कहा जा सकता है कि कलेक्टर ने खुद ही सवालों से मुंह चुरा लिया। गोरख धंधे के इस रैकेट में कई सवाल कलेक्टर की भूमिका को लेकर भी खड़े होते हैं। फिलहाल हम यहां पर डांग के कलेक्टर से मिलने आए बीके कुमार को। न्यूज 18 इंडिया ने यहां से मिलने की कोशिश की तो अंदर से बताया गया कि आज मुलाकातियों को मिलने का वक्त नहीं दिया जाएगा, यानी वो किसी से भी मुलाकात नहीं करते आज के दिन, आज के लिए उनके सरकारी काम के लिए रिजर्व है। मामले की गंभीरता इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर है। कलेक्टर और उनकी बेटी की भूमिका को लेकर जो सवाल उठे हैं उस पर वो फिलहाल न्यूज़ 18 इंडिया को सवालों को जो न्यूज़ 18 इंडिया ने जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब देना नहीं चाहते। खुलासा ये हुआ कि डांग में पक रही खिचड़ी की महक सूबे के आला अफसरों तक जा पहुंची। कलेक्टर से मिली मेहरबानियों के नशे में चूक भावेश्री ने राज्य के गृह सचिव और चीफ सेक्रेटरी तक से सीधा मोर्चा खोल दिया और उन्हें हैसियत दिखाने निकल पड़ी। नतीजा ये हुआ कि जिस कलेक्टर के दम पर वो फल फूल रही थी, उसी कलेक्टर ने उसे हथकड़ी में जकड़ने का हुक्म दे दिया। लिहाजा अब उसके सामने कोसने के सिवा और कोई चारा नहीं। खुलासा है कि भावेश्री और अंकित ने मिलकर करीब 25 करोड़ का चूना लगाया और ये और बात है कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ गए। झांसे का ये खूबसूरत जाल अब काट ही दिया गया है, लेकिन सवालों के घेरे में डांग के कलेक्टर बने हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब कलेक्टर को किसकी मेहरबानी हासिल है।